student. Again, I am here. I am Nargis Nihayat, vocational trainer of beauty and wellness. Under Indus Edutain Private Limited and my VC is Amaya Altam. तो स्टूडेंट्स, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है सेल रिप्रेजेंटेटिव। तो सेल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आप देख सकते हो कि मैंने पूरा जो है एक मार्केट में का जो स्टोर्स होते हैं उस तरह से मैंने एक मॉडल जो है वो रेडी किया है ताकि आपको इससे आराम से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, सेल रिप्रेजेंटेटिव को समझने से पहले हमें ये देखना है कि सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, ये कहाँ से आया है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके जानने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या है। आप सब तो जानते ही हो कि ऑक्यूपेशंस इन ब्यूटी एंड वेलनेस, ये आपने बहुत बार पढ़ा, हमने आपको बोला कि ब्यूटी एंड वेलनेस में आप ये सब्जेक्ट ले लो तो आपको इसमें बहुत सारे जॉब जो हैं वो करने को मिलेंगे। तो जैसे दूसरे सब्जेक्ट में होता है, फॉर एग्जांपल आप आर्ट्स लेते हो, मेडिकल लेते हो, उसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं, उसी तरह से जब हम ब्यूटी एंड वेलनेस में आते हैं तो इसमें भी डिफरेंट जॉब रोल्स हैं, इसमें भी डिफरेंट जॉब रोल्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। जैसे ब्यूटी कंसल्टेंट हैं, ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, मसाज थेरेपिस्ट हैं, नेल टेक्नीशियंस हैं, हेयर ड्रेसर हैं, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे हैं सेल रिप्रेजेंटेटिव। ये है सेल रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले जब आप ब्यूटी कंसल्टेंट पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ब्यूटी कंसल्टेंट ब्यूटी क्या कंसल्टेंट क्या है। ब्यूटी थेरेपिस्ट पढ़ते हो तो लगता है, आपको पता होता है कि वही जो ब्यूटी थेरेपिस्ट देता है। मेकअप आर्टिस्ट को पता होता है आपको कि मेकअप जो एप्लीकेशन करता है मेकअप की। फिर मसाज थेरेपिस्ट, आपको पता होता है कि मसाज जो थेरेपी देता है। फिर नेल टेक्नीशियन, जो नेल का एक्सपर्ट होता है। उसके बाद है हेयर ड्रेसर, आपको पूरा पता है कि हेयर ड्रेसर वो होता है जो हेयर कलरिंग करता है, हेयर स्टाइलिंग करता है, उसमें कटिंग में एक्सपर्ट होता है। फिर जब आप सेल रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुंचते हो तो आपके अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये कौन सा जॉब है, ये क्या है, कि ब्यूटी एंड वेलनेस में क्या है, सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या है। तो सेल रिप्रेजेंटेटिव जो है इज आल्सो नोन एज मेकअप सेल रिप्रेजेंटेटिव। जो सेल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको क्या हम कहते हैं कि कॉस्मेटिक सेल रिप्रेजेंटेटिव इज आल्सो नोन एज मेकअप सेल रिप्रेजेंटेटिव। ही इज एक्सपर्ट इन क्या बोलते हैं, ही डिमॉन्स्ट्रेट एंड ही एंड एडवाइज ब्यूटी केयर प्रोडक्ट। वो क्या करता है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, हमें ब्यूटी टिप्स देता है, ब्यूटी केयर के रिलेटेड और प्रोडक्ट का नॉलेज करता है जो भी कोई सेल रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद है सेल, कॉस्मेटिक सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, प्रमोट्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सेल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है कॉस्मेटिक, वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होते हैं, सर्विसेज जो होती हैं और जो कंपनीज होती हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करता है, उनको प्रमोट करता है, मतलब उनको प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं तो वो क्या करेगा, वो आपको बता देगा कि ये वाली कंपनी जो है वो बेस्ट है, वो वाला ब्रांड ले लीजिए आप, ये बहुत बेस्ट है। तो मगर इन सब चीज़ों को जानने के लिए एक ब्यूटी से रिप्रेजेंटेटिव का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी। तो एक्सपर्ट वो कैसे होगा, इसके लिए उसको एक टेक्निकल, जो ब्यूटी रिलेटेड कंपनीज होती है, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट, उसके लिए उसको एक टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जब तक ना वो उसको ट्रेनिंग लेगा, जब तक ना उसको ब्रांड्स के बारे में नॉलेज होगी, जब तक ना उसको कंपनी की सर्विस के बारे में नॉलेज होगी, तब तक वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए इसको पर्टिकुलर ब्रांड्स और कंपनीज को प्रमोट करने के लिए उसको खुद की एक ट्रेनिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, उसको ब्यूटी रिलेटेड सारे प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरत होती है। इसके बाद है प्रोडक्ट टू बायर्स एंड रिटेलर्स। कॉस्मेटिक सेल रिप्रेजेंटेटिव इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट टू बायर्स एंड रिटेलर्स। जो भी कोई बायर्स आता है, जो भी कोई रिटेलर्स आता है, वो उनको पहले डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मतलब उनको मोटिवेट करता है
कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, आप ये क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ ये ले लीजिए। वो उनको उनके अंदर एक इंटरेस्ट बना लेता। उसके बाद है नॉलेज ऑफ कलर मैचिंग एंड एप्लीकेशन। कॉस्मेटिक से रिप्रेजेंटेटिव जो है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ कलर मैचिंग एंड एप्लीकेशंस। दे विल बी कंफर्टेबल विद वेरियस कॉस्मेटिक आइटम्स। उसको क्या होता है कि वो अपने, उसको ये स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए कि कलर मैचिंग क्या। फॉर एग्जांपल आपके पास कस्टमर आ रहा है, पहले आपने उसकी स्किन को एनालाइज करना है कि उसकी स्किन कौन सी है, उसकी स्किन का शेड क्या है, उसकी स्किन के साथ कौन सा कलर मैच होगा। ठीक है, वो पहले उठाएगा, उस पर कलर मैचिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी ये फाउंडेशन उठा रही हूँ तो ये मेरी स्किन के साथ मैच है, तो मैं पहले ऐसे टेस्ट ले लूँगी तो अपनी स्किन के साथ इसको मैच करूँगी। ठीक है, उसको ये अच्छे से आना चाहिए। वो दिखाएगा अपने कस्टमर को, प्लीज़ आप ये मैच कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर फेयर कलर का आ गया या कोई डार्क कलर का आ गया, उसको उल्टा दे दें, किसी को फेयर कलर दे दें, किसी को वो नहीं। उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, ये आपकी स्किन पे सूट करता है और वो आपकी स्किन पे सूट करता है। उसके बाद उसको ये कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए एप्लीकेशन का। फॉर एग्जाम्पल वो आपको बता दे कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो आप ऐसे यूज़ कर लीजिए, इसका एप्लीकेशन ऐसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास नेल पेंट है, तो नेल पेंट को यूज़ करने के लिए वो क्या करेगा, पहले बेस कोट लगाएगा, पहले बोलेगा कि आपको जब नेल पेंट को यूज़ करना है पहले प्लीज़ आप बेस कोट लगा लीजिए, इसके बाद आप जो आपका फेवरेट कलर है वो नेल पॉलिश लगा लीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर टॉप कोट लगा लीजिए। तो इसको ये स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए कलर मैचिंग और एप्लीकेशंस का। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेट टू जनरेट एन इंटरेस्ट इन ब्यूटी आइटम्स अमंग कस्टमर्स एंड रिटेलर्स। उसके बाद जो है, जो ब्यूटी सेल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है, और जो डिमॉन्स्ट्रेट क्या करता है, इंटरेस्ट इन ब्यूटी आइटम्स अमंग कस्टमर्स। जो भी कोई कस्टमर्स आता है उनको पहले बहुत समझाता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कोई दुकान पे आ जाता है, कोई कस्टमर्स आ जाता है, रिटेलर्स आता है, उनको अंदर ये मतलब उनको समझाता है कि ये वाली कंपनी के ले लीजिए, ये बहुत अच्छी कंपनी है, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि वो चीज़ जो है खरीदने पे मजबूर करता है। उसके बाद है एजुकेटिंग कस्टमर्स अबाउट कॉस्मेटिक सर्विसेज, कंपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड प्राइस। उसके बाद उसकी एसेंशियल सर्विस क्या होनी चाहिए। वो क्या करता है, जब भी कोई कस्टमर आए उसको बताए किसके बारे में, कॉस्मेटिक के बारे में, कंपनी सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट एंड प्राइस के बारे में। उसको क्या बताएं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कस्टमर आ जाता है, हम उसको ये बताते हैं कि आप प्लीज़ आप ये वाली लिपस्टिक ले लीजिए, इसके साथ हम दूसरी भी फ्री में दे देते हैं, या इस पे अगर आप ये 200 की ले लीजिए तो इसके साथ 50 रुपये का आपके साथ मॉइस्चराइज़र फ्री है। तो हाँ, हम उसको ये बताते हैं कि पूरी कंपनी क्या है आपको सर्विसेज दे देती है, आज हमारा डिस्काउंट है, आज हमारा 50% चल रहा है, या फिर उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया, जो बोले ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, इससे आपके बाल घने हो जाएंगे, इसकी आपकी स्किन पे जो रिंकल्स हैं वो है वो आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे, और प्राइस के बारे में बता दीजिए। उसके बाद हैंडलिंग कस्टमर्स क्वेश्चंस।